मुंबई में हुए टीआरपी स्कैम का दायरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई के बाद अब यूपी में भी टीआरपी में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यूपी पुलिस ने मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्र बताते हैं कि मामला करीब 3 दिन पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक विज्ञापन कंपनी के प्रवर्तक की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोप धन लेकर टीआरपी रेटिंग में हेरफेर किए जाने का मामला है। सीबीआई अधिकारियों ने विस्तृत ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। किसी चैनल या कार्यक्रम की टीआरपी का इस्तेमाल विज्ञापन एजेंसी उनकी लोकप्रियता मापने में करती है, जिससे विज्ञापन की कीमत प्रभावित होती है। भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बाक 45,000 से अधिक घरों में एक उपकरण लगाकर पॉइंट्स की गिनती करता है। इस उपकरण को बारोमीटर कहा जाता है। यह उपकरण इन घरों के सदस्यों द्वारा किसी कार्यक्रम या चैनल के देखे जाने का आंकड़ा एकत्रित करता है, जिसके आधार पर बार्क साप्ताहिक रेटिंग जारी करता है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में टीआरपी में हेरफेर किए जाने का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद बार्क ने अस्थायी रूप से रेटिंग का काम स्थगित कर दिया। इस बीच पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी टीआरपी रैकेट के सिलसिले में हंसा रिसर्च एजेंसी के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और इस तरह इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए रामजी वर्मा, दिनेश विश्वकर्मा ने कुछ सालों के लिए हंसा एजेंसी में काम किया था। वर्मा को वर्ली से गिरफ्तार किया गया, जबकि विश्वकर्मा को मुंबई हवाई अड्डे से शाम को गिरफ्तार किया गया। ये कथित फर्जी टीआरपी घोटाला तब सामने आया जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई कि कुछ चैनल विज्ञापन दाताओं को आकर्षित करने के लिए टीआरपी अंक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।